हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशारदक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, जो कि आप देख ही चुके होंगे थंबनेल में कि आप जो आपका जो राशन कार्ड है वो कहीं का भी हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, आपका जो है वो उसमें अगर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना दे, मान लीजिए जिसमें पुराना नंबर आपने पहले से दे दिया हो, अब वो नंबर मतलब आपके पास है ही नहीं और पता नहीं भूल गए हो मतलब कि कौन सा दिया है कौन सा नहीं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपना पुराना नंबर कुछ भी वो डाले हो इससे मतलब नहीं है, आप अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में सो रहे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली लेके आता रहता हूँ। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि राशन कार्ड कैसे अपडेट होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना ये कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं अपना ये क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हूँ। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना होगा NFS अपडेट MOV। ठीक है, बस इतना लिखना, NFS अपडेट MOV, इतना लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। जिसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ये वाला वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है https://delhi-government-nic.in। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो दिया हुआ है आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको वेबसाइट मिलेगी, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। ये मतलब किसी भी राज्य के लिए है। ठीक है, मतलब कोई भी राज्य हो आप वहाँ का कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला यहाँ पर डालना है आधार नंबर। ठीक है, अब आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है राशन कार्ड। ठीक है, यहाँ दूसरे कोष्टक में यहाँ पर राशन कार्ड फिल कर देना है। तीसरे में आपको अपना नाम मेंशन कर देना, मतलब जिसका राशन कार्ड है उसका नाम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यू मोबाइल नंबर, यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे न्यू मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव पे क्लिक कर देंगे आपका जो है अपडेट, मतलब कि आपका मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर मतलब अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी सरकार की तरफ से अपडेट आती रहती है तो आपके मोबाइल नंबर पर हमेशा जाती रहेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।